बात कर लेते हैं खबरों के विस्तार से। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में पिछले 12 घंटों में 633 नए मरीज सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,303 हो गया है। आज सुबह आई रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में 122 और जोधपुर में 113 मरीज सामने आए हैं और वहीं कोटा की बात की जाए तो वहां पर 94 मरीज सामने आए। अलवर में 80 और अजमेर में 88 मरीज संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो 14,646 हो गए हैं। चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वहीं नए संक्रमितों की बात की जाए तो जयपुर में 122 नए संक्रमित मिले हैं। देखिए, जो कोरोना का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बड़ा मामला यह है कि राजधानी जयपुर में जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक सप्ताह पहले जहां कमी थी, लेकिन अब लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे अन्य जो जिले हैं वहां पर भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 633 पॉजिटिव मरीज 24 घंटे में सामने आ चुके हैं और वहीं 4 लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है और जो आंकड़ा अब 998 हो चुका है, यानी 1,000 के करीब जाने वाला है। लेकिन ऐसा लगातार जिस तरह से सरकार चिंतित भले ही है, लेकिन जो कोरोना का जो ग्राफ है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। सरकार भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि जो ग्राफ है कैसे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल मोटे रूप से देखा जाए तो ये चीज समझ में आती है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जो प्रवृत्ति है, जिस तरह से 5 महीने हो चुके हैं कोरोना का जो काल चल रहा है उसको चलते हुए, लेकिन अभी भी लोग इस चीज को लगाने से अगर अगर बचाव होता है तो उसके बावजूद भी इसका उपयोग करने से लोग कतराते हैं। कई लोग आज भी देखे जाते हैं कि भीड़ वाले इलाकों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। लगातार सरकार की ओर से चालान भी काटे जा रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उसके बावजूद पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों एक WHO की गाइडलाइन भी आई थी, उसमें कहा गया था कि जितने लोग दूरी बनाकर रखेंगे वहां कोरोना का बचाव सही हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से सामूहिक आयोजनों पर इन पर तपर सरकार ने लोग रोक लगा रखी है उसके बावजूद भी स्थितियां हैं वो अभी विपरीत हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग जो एडवाइजरी है, अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है, उनका पालन करें ताकि व्यापार और जो अन्य एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, वो लगातार चलती रहे, लेकिन ये जो कोरोना का ग्राफ है वो रुके। लेकिन फिलहाल अभी तक इस ग्राफ को रोकने में सरकार नाकाम है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी 2 दिन पहले समीक्षा बैठक ली थी और कोरोना को लेकर सभी जिला मुख्यालयों से फीडबैक लिया था। बड़ी बात यह है कि जो पूरे प्रदेश के जो पब्लिक डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ हैं डॉक्टर KK शर्मा, वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी लगातार जो VIP कैटेगरी के लोग हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। कई मंत्री और विधायक तक पॉजिटिव आ चुके हैं, डॉक्टर्स पॉजिटिव आ चुके हैं। लगातार ये जो ग्राफ है कॉमन आती है लेकर आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा हॉटस्पॉट बन चुके हैं और वहीं गाइडलाइन जारी होने के बाद भी लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। तो ताजा आंकड़ों की बात कर ली जाए तो जयपुर में 122 नए संक्रमित, जोधपुर में 113, कोटा में 74 और अलवर में 88 और वहीं अजमेर की बात की जाए तो 80 और बांसवाड़ा में 27 नए संक्रमित सामने आए हैं।